आज आज आपका जो इनिंग्स गया और उस जो उससे आपने अफगानिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला के रखा है, उसके बारे में ज़रा बात करें, कैसा कर रहे हैं इनिंग्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो वाकई हमारा बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हम, हमारा मेन मकसद यही था कि पहले जो 172 उन्होंने किया है वो पूरा करें, उसके बाद उनको लीड दें। तो ज़्यादातर कोशिश यही थी हमारी कि हम विकेट पे स्टे करें, जितना लॉन्ग जा सकें, सेशन बाय सेशन विन करें। तो इसी में थे तो उसको टोटल भी अच्छा हो गया, तो इंशाल्लाह भी होप कि उनको जल्दी आउट करें इसी में। आज पहले सेशन में उन्होंने बॉलिंग अच्छा किया, आपको बहुत टाइट बॉलिंग की, आपको रन नहीं दिए, तो उस समय आपका क्या ख्याल था, कैसे खेल रहे हैं, क्या करना उन्होंने फील्डिंग जो ली थी वो आउट वाली नहीं थी ली, है? उन्होंने डॉट वाली फील्डिंग ली थी। तो बस हमारा उनके साथ ही मैच था, वो डॉट पे जा रहे थे कि ये तंग हो और विकेट पे शॉट मारें। तो बस हमने भी पेशेंस से काम लिया और विकेट पे खड़े रहे, तो ये टोटल इतना हो गया। ज़्यादातर अफगानिस्तान के खिलाड़ी तो जाने जाते हैं कि बड़े छक्के लगाने के लिए और बड़ा हिट खेलने के लिए, आप वैसा नहीं खेलते, आपका स्ट्राइक रेट भी इतना ऊपर नहीं है वैसे करियर में देखे तो, आपका गेम कैसे अलग है सबसे? हमारी टीम में तकरीबन सब ही लॉन्ग हिट ज़्यादा मारते हैं, सिक्स ज़्यादा मारते हैं। एक मैं ही हूँ, मुझे कोच भी कहते हैं, कप्तान भी कहते हैं कि आप नीचे नीचे ज़्यादा खेला करो, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा नीचे खेलूँ और विकेट पे ज़्यादा स्टे करूँ। लेकिन मन नहीं करता है कि अभी अभी एक और मार दे बड़ा शॉट? मन करता क्यों नहीं करता, बस कोई मुंह में फेंके 98 पर पहुंच गए आप अफगानिस्तान के, एकदम क्लोज चले गए कि पहला टेस्ट सेंचुरियन बनेंगे, उस समय वो लोग नया नया बॉल भी लिए थे, तो आप वो शॉट उस मोमेंट के बारे में थोड़ा बताइए कि वो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, और ये जो शॉट आपका अनफॉर्चुनेटली आप आउट हो गए, तो उस मोमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, उन्होंने जो जब नया बॉल लिया तो बॉल विकेट पे से ही आ रहा था, कोई मूवमेंट नहीं थी हो रही। तो मेरा ज़्यादातर प्लान यही था कि जितना मैं खेलूँ, मैं शॉट के लिए ना जाऊँ, वो खुद मुझे रन्स दें। तो बस थर्ड मैन उन्होंने नहीं रखा हुआ था, तो मैं उसी चक्कर में गया, तो बस इनसाइड एज लग गया, और बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। 90s में थोड़ा अलग गेम खेलने लग गया था, थोड़ा ऐसे लग रहा था कि जल्दी से कर लें सो। 90 में मुझे लगा थोड़ा कि मैं एक दो डोंदे विकेट मारूं ताकि मैं जल्दी करूं, क्योंकि उसके बाद नया बॉल का भी मेरे सोच में था। बहरहाल वही मैं, कप्तान ने मुझे कहा, वो कप्तान मेरे साथ, उन्हें बोला कि वो आपको सिंगल इजी दे रहे हैं, तो आप जितना स्टे कर सकते हैं स्टे करें, 100 आराम से होगा। बस वही बात के तकदीर पे, और तकदीर हमने टीवी में भी देखा कि आप जब वापस आ रहे थे पूरा ड्रेसिंग रूम अपसेट था, रशीद और सारे टीम, तो आप जब ड्रेसिंग रूम में आए आपको क्या बोला गया कप्तान कोच की तरफ से, क्या क्या उस समय आए? कप्तान तो विकेट पे थे, और कप्तान कोच, कोचिंग स्टाफ की तरफ से बस उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये बस होता रहता है, क्रिकेट है, ऐसे बहुत से आएंगे मौके, तो दिल नहीं हारना, उम्मीद नहीं छोड़ना, ऐसे ऐसे मौके बहुत आएंगे, ये किस्मत की बात है, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर मैं ही करूँगा, बस किस्मत की बातें हैं। जैसे आपने कहा कि वो शुरू में उनका जो पहले सेशन में फील्डिंग उन्होंने तंग करने वाली लगाई हुई थी, लेकिन कि आप कोई तंग हो जाए और कोई गलत शॉट खेल रहे हैं, बीच बीच में से आप जब बहुत ज़्यादा डॉट बॉल हो गए तो बीच में से एक चौका मार देते, तो वो कैसे बॉल चुनते हैं, किस बॉल पे मारना है, कैसे नहीं? बॉल ज़्यादातर वो जिनका, उनका एक फास्ट बॉलर है टीम, वो ज़्यादातर विकेट को विकेट करता था, तो मैं उनके एक बॉल के लिए खड़ा था कि वो मुंह में डाले बॉल और मैं उसको पंच करूँ, ड्राइव के लिए खड़ा था मैं, क्योंकि उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट इस तरह ली हुई थी कि वो विकेट से बॉल ना इधर कर रहे थे ना उधर कर रहे थे, जैसे मशीन में, अब मशीन के लिए बैटिंग कर रहे हो। और मुंह में डालने का मतलब बहुत आगे जो भी गिरे। थैंक हाँ, जो आगे गिरे वहाँ पहले हो, बस उसको, उसी के लिए खड़ा था मैं ज़्यादातर। यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।